फ्रेंड्स, ये एक मीटर बोर्ड है और यहाँ पर फोर वायर इनपुट आउटपुट बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर अब मिट्टी मिट्टी बन चुका है पाइप, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है और इसकी मेन कारण क्या है। तो वीडियो में आप बने रहे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वायर है वो वायर बिल्कुल जल करके ख़त्म हो चुका है और उसके साथ जो बैंड है, जो यहाँ पर मैंने तोड़ करके दीवार तोड़ करके बैंड निकाला है, यहाँ पर जो लटक चुका है कम्प्लीटली बैंड वायर के साथ। तो जो बैंड है, बैंड थोड़ा सा अच्छा कंपनी का था, ब्रांडेड कंपनी का, इसके लिए बैंड को वो जला नहीं पाया, लेकिन उसे गर्म करके लटका लिया है, यानी कि लटक चुका है वायर के साथ, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं अभी निकालूंगा और मैं निकाल करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर में अगर आप वायरिंग कर रहे हैं, घर अगर आप वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग में आप ज़रूर से ज़रूर MCB लगाएं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर MCB नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो MCB नहीं लगा हुआ था, जैसे कि तीन इंडक्शन चल रहा था तो तीन MCB होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा हुआ था, इसके लिए 32 एम्पीयर का आइसोलेटर लगा हुआ था, इसके लिए ट्रिप नहीं किया और ट्रिप ना होने के कारण यहाँ पर मेन जो तार था वो जल चुका है। अभी मैंने लाइन कटवाया है पोल से और मैंने दीवार तोड़ के बैंड को निकाला, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कम्प्लीटली बहुत ही हेवी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लटक चुका है बैंड के साथ, आप देख सकते हैं। तो अगर आप अपने घरों में वायरिंग करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको MCB लगाना है, वो भी अच्छी कंपनी का जो ट्रिप करें, तो आप इसे समझ करके लगाएं। और सबसे बड़ी बात, और एक बड़ी बात है, जो अपने घरों में अगर आप वायरिंग करवा रहे हैं तो जो लोड है वो लोड के हिसाब से आप वायर भी ज़रूर लगवाएं। जैसे कि इंडक्शन चला रहे हैं, एक इंडक्शन का 2.5 mm तार ज़रूर लगवाएं, उससे कम मत लगवाएं। तो AC लगवा रहे हैं तो AC में 2.5 mm भी चलेगा, लेकिन आप 4 mm का लगवा लें, इसमें आपका रिक्स नहीं रहेगा और टेंशन नहीं रहेगा। तो बात यह है कि इसके हिसाब से वायर लगाना होगा। यहाँ पर क्या किया है कि पूरा घर का लोड 2.5 mm से चल रहा था, ये देखिए 2.5 mm तार को पूरा कम्प्लीटली जला चुका है, ये देखिए, ये 2.5 mm से पूरा इनपुट आउटपुट जो मेन लाइन था वो भी 2.5 mm का ही था और बहुत सारा लोड था, बहुत हेवी लोड था। इसके कारण क्या हुआ है कि वायर गर्म हो रहा था, गर्म होने के कारण वायर जो है लटक चुका है और हेवी शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पर। तो जैसे वायर गर्म ना हो, इसके हिसाब से आपको वायर लगाना है, लोड के हिसाब से आपको वायर लगाना है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।